हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वी आर टेक्निकल में। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे एचपी लेजर टैंक एमएफपी 1005 या 1020 में एरर 8 के रीज़न और सॉल्यूशन के बारे में, दूसरा ड्रम रिप्लेसमेंट के तरीके के बारे में, ड्रम रिप्लेसमेंट प्रोसेस, और तीसरा ड्रम रीसेट प्रोसेस। यूएसबी के थ्रू आप ड्रम को लास्ट में रीसेट कैसे करेंगे रिप्लेस करने के बाद। तो चलिए गाइस, हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। ये प्रिंटर है लेजरजेट टैंक एमएफपी 1005 यूएसबी प्रिंटर है, और इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे 08 एरर दिखा रहा है। फ्रंट में टोनर लेवल इंडिकेशन पे भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वेरी वेरी लो है यहाँ पे। तो अगर आपका प्रिंटर एरर 8 आने से पहले बिल्कुल सही चल रहा था, प्रिंटिंग बिल्कुल अच्छी थी, तो आप सिंपली इसका टोनर परचेज़ कीजिए और ख़ुद से रिलोड कीजिए। टोनर रिलोड कैसे होगा, उसका मैनुअल टीआरके के साथ आता है। टीआरके मतलब टोनर रिलोड किट। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में भी छपा हुआ है किस तरह से आपको टीआरके लोड करना है। इस प्रिंटर में प्रिंट क्वालिटी इशू है, 16,000 ये चला है, हमने ईडब्ल्यूएस प्रॉक्सी से चेक किया है। चल भाई, तो इसमें कुछ ट्रबल शूटिंग हमने की है जिसकी वजह से हमें कंफर्म हुआ है कि इसमें ड्रम यूनिट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए हम ड्रम रिप्लेस कैसे होगा इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आउटपुट बिन जो है वो आपको निकालना है, उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको हम हटा लेते हैं। प्रिंटर अभी पावर ऑफ है, ये एक्टिविटी आपको पावर ऑफ कंडीशन में ही करनी है। तो यहाँ से आप होल दिया हुआ है, इसमें से लाइनर से पुश करेंगे तो आपका जो ये कवर है टोनर वाला, ये ड्रम वाला, ये निकल जाएगा। यहाँ पे एक कनेक्शन आप देख सकते हो, ये देखिए एक एफएफसी केबल लगी हुई है, इसको आपको करना है रिमूव। चलिए प्रिंटर को रोटेट करते हैं। बैक साइड में आपको क्या एक्टिविटी करनी है देख लीजिए। यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको करना, इसको हटाना है। यहाँ से स्क्रू निकल गया है, अभी इस क्लिप को हम नीचे की तरफ पुश करके इसको निकाल देंगे। ये नीचे की तरफ लगी रहती है, इंगेज होती है, ये निकल गई। राइट साइड में भी एक क्लिप है, इसको भी निकाल देते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये ड्रम यहाँ पे इंगेज है रोलर के साथ, इसको पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा। लाइनर के साथ आपको करना है। आप देख सकते हैं ड्रम पे ब्लैक ब्लैक शेड आ रही है, तो इसी वजह से हम ड्रम को चेंज कर रहे हैं। ड्रम आपका इजीली निकल जाएगा। न्यू ड्रम को हमने कर लिया अनपैक, तो ये जो पीसीबी लगी हुई है इसको हमें नए ड्रम पे लगाना पड़ेगा इससे उतार के, क्योंकि नए ड्रम पे ये पीसीबी आपको लगी हुई नहीं मिलेगी। इसको रख देते हैं साइड, अभी नए ड्रम को लेके आते हैं। नहीं, ऐसे नहीं रख सकते। नए ड्रम को आपको ध्यान से कैरी करना है ताकि वो स्क्रैच ना हो, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे होल्ड करके रखता हूँ। चलिए पीसीबी को हमने लगा दिया है, पीसीबी को हमने पुराने ड्रम से उतार के इस नए ड्रम पे लगाया है। चलिए अब इस नए ड्रम को फिट करते हैं। तो इस पोजीशन से आपको इसको इंसर्ट करना है बैक साइड से, ये देखिए हाथ लगा कर रखिए, कैसे किया, अभी बिल्कुल फिट हो गया है। बैक साइड में आप देख सकते हैं दोनों तरफ इंगेज हो गया है, इधर भी और इधर भी, ये प्रॉपर फिट हो गया है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, बोथ साइड की जो क्लिप हमने निकाली थी वो लगानी है।
ये देखिए इस तरह से आपको लगा के नीचे की तरफ हल्का सा पुश करना है और फिर आपका स्क्रू यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए नीचे की तरफ पुश किया हमने और इसको स्क्रू लगाना है। लेफ्ट में भी ऐसा ही करेंगे। तो क्लिप में आपको ऊपर की तरफ ही स्क्रू मिलेगा, नीचे की तरफ वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा नीचे की तरफ पुश करने से। तो इधर भी स्क्रू लगा देते हैं हम। अभी बैक डोर कर देते हैं बंद और अभी हम लगाते हैं ड्रम वाला जो कवर है वो लगाना हमारे। उससे पहले ये ध्यान रखिए, ये जो हमने FFC केबल यहाँ से निकाली थी, ड्रम जो PCB लगी हुई थी उससे, तो इसको हमारे को लगाना है। FFC केबल हमने लगा दी है। चलिए अभी लगाते हैं हम, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। अभी हम लगाते हैं इसमें ड्रम यूनिट का कवर लगा के, बस आपको नीचे की तरफ पुश करना है। लेफ्ट साइड में आपका एक स्क्रू लगेगा बस। ये इसका आउटपुट कवर। चलिए इस ये भी लग गया। अभी करते हैं प्रिंटर को पावर ऑन। तो गाइज अभी हमने सिर्फ ड्रम को फिजिकली रिप्लेस किया है। नया जो ड्रम आता है उसमें ऑलरेडी आपका जो टोनर है वो लोड होके आता है, लेकिन आप देख सकते हो कि हमने जो PCB है पुराने ड्रम से उतार के ही नए ड्रम पे लगाई थी। अभी 08 एरर वैसे ही आ रहा है और लेवल भी ऐसे ही दिखा रहा है, जबकि ड्रम अभी नया लगा है और फुल है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? ड्रम फिजिकली रिप्लेस करने के बाद ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये प्रोसेस सिस्टम से ही होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले डालना होगा सिस्टम में फुल ड्राइवर, उस पर्टिकुलर मॉडल का होना चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम प्रैक्टिकल 1005 पे कर रहे हैं लेज़र टैंक पे, तो इसका फुल ड्राइवर हमारे को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे support.hp.com पे। यहाँ पे जाएंगे सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर प्रिंटर, और यहाँ पे प्रिंटर का डालेंगे हम प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नंबर है ये हमने डाल दिया, सबमिट कर दिया। ये उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर एंड फुल बेसिक ड्राइवर। ये देखिए 201 MB का ये है, तो ये फुल हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ऑलरेडी मेरे PC में इंस्टॉल है। अभी प्रिंटर को USB से कनेक्ट कर दिया है। अभी जाना है माई कंप्यूटर में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कनेक्ट प्रिंटर। ये जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। मुझे जाना अभी C में, प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे HP में और HP लेजर जेट वाले फोल्डर, उसके बाद बिन के अंदर, और इस पाथ को करना कॉपी। और अगर आपका 1020 है तो वहाँ पे 1020 ये जो फोल्डर है ये आपका लेजर जेट 1005 की बजाय 1020 होगा। तो बस जस्ट आपको बिन के अंदर जाके फाइल ऊपर का पाथ कॉपी करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को आपको खोलना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। टाइप करेंगे CD सी के स्लैश बाद हम एंटर। टाइप करेंगे CD स्पेस प्रोग्राम स्पेस फाइल्स स्लैश HP स्लैश, ये देखिए ये पाथ मैं टाइप कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे CD लगा के ये पाथ टाइप कर रहा हूँ। स्लैश HP लेजर जेट स्पेस टैंक स्पेस MFP स्पेस 1005 स्पेस बिन, एंटर किया। ये देखिए मैं बिन पे आ गया हूँ अभी, यहाँ पे मैं बिन पे आ गया हूँ। यहाँ पे स्मॉल या कैप्स में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो कमांड है वो इम्पोर्टेंट है। ये कमांड जो है केस सेंसिटिव है। अगर आप सब स्मॉल में टाइप करेंगे तो हो सकता है आपका ये कमांड प्रॉपर काम ना करे। देखिए मैं भी आपको स्मॉल में टाइप करके दिखाता हूँ।
फिर मैं आपको एग्जैक्ट इसका कमांड बताऊंगा। कमांड यही है, बट इसमें कुछ लेटर आपके, ये देखिए प्रिंटर शो कर गया यहाँ पे कमांड डालने के बाद, पर ये आपका एरर आ सकता है, वेब पेज कैन नॉट बी फाउंड। तो गाइज अभी हम AWS पेज खोल रहे हैं AWS प्रॉक्सी के थ्रू। तो हमारा AWS प्रॉक्सी एग्जैक्ट जो कमांड है उसके साथ साथ आपको कैप्स या स्मॉल जैसे जैसे भी वो होगा वैसे ही आपको टाइप करना पड़ेगा। तो हम दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, cd स्पेस, दोबारा से वही पाथ कॉपी कर रहा हूँ, आप देख सकते हो जो कि नोटपैड में मैंने टाइप किया हुआ है, ये cd स्पेस करके आपको टाइप करना है। ये पाथ मैंने कॉपी किया था उस फोल्डर में जाने के बाद फिजिकली। तो अभी मैं बिन पे आ गया हूँ, बिन पे आने के बाद अभी मैं एग्जैक्ट कमांड डालूंगा, देखिए कैप्स और स्मॉल जैसा भी होगा। तो ये है ewsproxy.exe, इसमें ewsp ये आपका कैप्स में होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ये पाथ पे हम जाएंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये देखिए हम सीधा बिन पे आ गए। ये देखिए आप देख सकते हो ये फाइल मैं रन कर रहा हूँ, ये इसी का नाम मैंने टाइप किया है नेम। तो यहाँ पे ewsp यहाँ तक तो कैप्स में है, बाकी स्मॉल में है। इसी फॉर्म में मैंने टाइप किया है ewsp कैप्स में है बाकी स्मॉल। तो ewsproxy.exe/space/url/set_config_service सर्विस के बाद ADV, उसमें ए आपका कैप्स रहेगा बाकी स्मॉल .html, एंटर किया। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया, रिफ्रेश द करंट पेज, बट जैसे ही आपका ये ऑप्शन आएगा आपके प्रिंटर पे आई ब्लिंक करेगा, आपको आई को एक बार प्रेस करना है। और यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही आप करेंगे तो रिफ्रेश करते ही आपका ये वेब पेज खुल जाएगा और इसकी स्क्रीन पे आपका सबसे पहला ऑप्शन है रीसेट सप्लाई का, इस पे आप कर देंगे ओके। सप्लाईज रीसेट हो चुकी है, बस इतनी सी एक्टिविटी आपको करनी है AWS पेज पे जाके, इसको कर देते हैं बंद। अभी एरर 8 आ रहा है, अभी हम प्रिंटर को कर देंगे एक बार रीस्टार्ट। रीसेट करने से आपका जो ड्रम है जो फिजिकली आपने चेंज किया था वो रीसेट हो जाएगा और आपका सप्लाई जो है ये देखिए 100% पे आ गया है। तो ये एक्टिविटी आपको ड्रम रिप्लेस करने के बाद ही करनी है। तो अभी हम इसका इन्फॉर्मेशन पेज निकाल के इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। तो गाइज अगर आपका प्रिंटर लैन पे या वायरलेस पे है, जैसे कि ये तो यूएसबी प्रिंटर है, अगर आपके पास वाईफाई वाला है लेज़र टैंक 1005W या 1020W, उसका उसमें आप यूएसबी से भी कर सकते हैं, बट उसमें आप लैन से बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। थैंक यू।